वी विल स्टार्ट इन दिस मॉड्यूल द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इनिशियली हमने देखा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी चार किस्म के स्ट्रक्चर जो है ना वो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। टर्शरी में हमने देखा कि ये सब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का या एक दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स का जो स्ट्रक्चर है वो थ्री डायमेंशनल कन्फर्मेशन ले लेता है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक थ्री डायमेंशनल उसकी शेप बन जाती है, तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाता है। इसी तरह क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में वी कैन सी कि यहाँ पे अगर मल्टीपल चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और उससे कोई मॉलिक्यूल बनना है, कोई जो है ना एंजाइम बनना है, तो उसकी थ्री डायमेंशनल कन्फर्मेशन बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की मोर देन 200,000 तक जो है ना वो चेन्स आपस में जो उनका इंटरेक्शन होता है उसके साथ जो बनती है दैट इज नोन एज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। सम प्रोटीन्स कंटेन टू और मोर सेपरेट पॉलीपेप्टाइड चेन्स और सब यूनिट विच मे बी आइडेंटिकल और डिफरेंट। ये जो सब यूनिट्स इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में, ये अगर एक जैसी भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, दो हैं या 200 हैं, तो सारी की सारी अगर सिमिलर भी हो सकती हैं और ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। द अरेंजमेंट्स ऑफ दीज प्रोटीन सब यूनिट्स इन थ्री डायमेंशनल कॉम्प्लेक्सेस कॉन्स्टिट्यूट द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये बहुत सारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन जब ये आपस में मिल जाती हैं तो वही इंटरेक्शन इसके अंदर भी होते हैं जो अमीनो एसिड्स के आपस में साइड चेन्स की वजह से इंटरेक्शन हैं और उसकी पर्टिकुलर कन्फर्मेशन बन जाती है और ये साइड चेन्स जो है ना वो एक जो है ना एक की मल्टी एक साइड चेन दूसरी साइड चेन के साथ मिलती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ मिलती है और उसके आर ग्रुप्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्शन करके एक पर्टिकुलर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ग्लोबुलर और फाइब्रस स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। एज वी नो के हीमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन्स होती हैं, टू अल्फा एंड टू बीटा चेन्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ग्रे और ये लाइट ब्लू जो है दीज आर दी टू अल्फा चेन्स और दी अल्फा सब यूनिट्स एंड दिस डार्क ब्लू एंड डार्क रेड दीज आर बोथ दी बीटा सब यूनिट्स ऑफ दी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इसी का ये रिबन टाइप स्ट्रक्चर है, इसी को अगर ग्लोबुलर फॉर्म में हम देखते हैं यहाँ पे तो वी कैन सी कि ये अल्फा चेन जो है ये जो लाइट ग्रे है ये वाली और लाइट ब्लू जो है ये इसके साथ ये साइड चेन्स लगी हुई हैं जो गोल गोल नजर आ रही हैं और इसी तरह ये अमीनो एसिड्स की बैकबोन बीच में पॉलीपेप्टाइड बनी हुई है, ये आपस में भी इसके इंटरेक्शन हैं उसके और ये दो अल्फा चेन्स के दरमियान भी इंटरेक्शन हैं। इसी तरह दो बीटा चेन्स जो एक डार्क ब्लू है और दूसरी डार्क रेड है ये आपस में भी अगर इसका आपस में इंटरेक्शन सिर्फ इसी का यहां तक ही रहेगा एक ही जो है ना बीटा चेन का तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाएगा, लेकिन जब ये तीन और के साथ मिल गया और उसकी एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन बन गई तो इट इज कॉल्ड द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। मैनी प्रोटीन्स हैव मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स फ्रॉम टू टू हंड्रेड्स, दो से लेके हंड्रेड तक और थाउजेंड तक भी ये चल जाते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं या पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स हैं। द एसोसिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैन सर्व ए वराइटी ऑफ फंक्शंस। अब इसका फायदा क्या है कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो मिल जाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स, मल्टीपल चेन्स मिल जाती हैं, ये एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन एक पर्टिकुलर शेप स्ट्रक्चर की दे देते हैं, जिस तरह के एंजाइम है तो उसके अंदर आगे कोई किसी चीज़ ने सबस्ट्रेट ने इंड्यूस फिट होना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर शेप चाहिए ताकि वो उसके अंदर आगे सबस्ट्रेट लगे। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अ मल्टी सब यूनिट प्रोटीन इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ मल्टीमर। अगर ये मल्टी सब यूनिट है, क्योंकि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में हम कह रहे हैं मल्टी सब यूनिट्स हैं तो ये मल्टीमर कहलाते हैं। विद प्रीफिक्स होमो और हीट्रो यूज टू डिस्क्राइब आइडेंटिकल और डिफरेंट सब यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। अगर ये एक ही तरह के सिमिलर टाइप्स ऑफ मल्टीमर हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ मल्टी सब यूनिट्स हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं तो वो कहलाएंगी होमो मल्टीपर। अगर डिफरेंट टाइप्स की हैं
चेन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो हम उसके मल्टीमर के पीछे जो प्रीफिक्स लगाएंगे वो हीट्रो का लगा देंगे, सो दीज आर कॉल्ड हीट्रो मल्टीमर्स। मोस्ट मल्टीमर्स हैव आइडेंटिकल सब यूनिट्स और रिपीटिंग ग्रुप्स ऑफ नॉन आइडेंटिकल सब यूनिट्स यूजली इन सिमेट्रिक अरेंजमेंट्स, कि इसके जो हैं सब यूनिट्स वो सिमिलर भी हो सकते हैं और आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, जो आपस में सब यूनिट्स जो हैं एसिमेट्रिक भी और सिमेट्रिक अरेंजमेंट्स भी आपस में बनाते हैं। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिन। एक्टिन क्या है? एक्टिन इज अ प्रोटीन। ये एक्टिन और जो है वो मायोसिन के साथ मिलके मसल में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। इसमें वी कैन सी कि ये एक्टिन मोनोमर है, यहाँ पे ये सारे ये सिमिलर मोनोमर है, सो दिस इज द मल्टीमर ऑफ होमो मल्टीमर, के सिमिलर टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स में एक्टिन चेन में है। सो दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डबल हेलिकल फिलामेंट ऑफ अ एक्टिन प्रोटीन विच इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट इन सच मल्टी मेरिक प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटोमर। असेंबली इन टू अ मल्टी सब यूनिट स्ट्रक्चर इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन। अब ये इसका फायदा क्या है कि मल्टी सब यूनिट जो है, एक तो हमने कहा है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में एक पर्टिकुलर शेप बन जाती है, उसकी वजह से एक उसकी ये बेनिफिट है। वो शेप जो है वो डिफरेंट फंक्शंस करती है इस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडली ये जो आपस में मिलके चेन्स बनाती हैं ये उसको एक थ्री डायमेंशनल कन्फर्मेशन देती हैं जो उसकी स्टेबिलिटी में उसको काम आती हैं और उसको स्टेबल प्रोटीन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड दीज मल्टीमेरिक प्रोटीन्स आर नोन एज प्रोटोमर। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोटोमर एंड अ ओलिगोमर। ओलिगोमर वो है जिसमें ये तीन चार पांच किस्म की जो है ना ये हमें डिफरेंट किस्म की मल्टीमेरिक प्रोटीन नज़र आ रही हैं। अगर ये एक ही तरह की प्रोटीन्स होंगी, सिमिलर प्रोटीन्स होंगी, तो इसको हम प्रोटोमर कहेंगे। इस S1 में अगर हम देखें तो इसमें सारी की सारी प्रोटीन्स जो है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल की वजह से इसको प्रोटोमर कहते हैं। अगर इस प्रोटीन के अंदर ये वाला एरिया जो है इसमें ओलिगोमर इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें चार पांच जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड की चेन्स हैं, जबकि प्रोटोमर में सिमिलर टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट।